शनिवार दोपहर पंजाब हिमाचल सीमा स्थित हिमाचल के डमटाल बैरियर पर लगाए नाके पर पुलिस ने चंडीगढ़ नंबर की लग्जरी गाड़ी से 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। गाड़ी में सवार चालकों के मुताबिक वह चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। हालांकि उक्त लोग नकदी संबंधी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते गाड़ी और नकदी को डमटाल पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है। सारी नकदी 500 और 2000 के नोट में है। मशीन के जरिए पुलिस ने वीडियोग्राफी कर नकदी की गिनती की है। हिमाचल में चल रहे चुनावों के चलते हिमाचल पुलिस की ओर से ये एक बड़ी रिकवरी की गई है, जिसकी जांच उच्च अधिकारी कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर डमटाल में पड़ते तो की आरटीओ बैरियर पर नाका लगाया था। पुलिस ने जलंधर साइड से आ रही एक कार को रोका। जब उसकी डिक्की की तलाशी ली गई तो उसमें से गत्ते की 2 पेटियां मिली, जिसमें से 2 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर नाका लगाया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि 10 लाख से अधिक की नकदी मिलने पर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी चालक चंडीगढ़ निवासी है और जम्मू जा रहा था। नकदी संबंधी कोई दस्तावेज वह पेश नहीं कर पाया। एसपी ने बताया कि मामले की सूचना चुनाव आयोग और पुलिस उच्च अधिकारी को दे दी गई है। आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पठानकोट से संवाददाता सुखजिंदर कुंडल की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन की वजह से इंटर स्टेट नाका चेक पोस्ट लगे हुए हैं। हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर में 15 चेक पोस्ट लगे हैं। उन्हीं में से एक चेक पोस्ट है हमारा तोकी, जो पुलिस स्टेशन अंताल के जुडिशन में पड़ता है। जो एक गाड़ी थी यहाँ पे ईसुजू, जब ये आई मौके पे तो उसको रोका गया और पूछताछ करने पे जब उसकी डिग्गी भी खुलवाई और गाड़ी की चेकिंग करी तो हमें सस्पिशियस एक बॉक्स वहाँ पे मिला, जिसका पूछताछ करने बताया गया कि इसमें कैश है। तो जब इसके चालक से जब और डिटेल में पूछताछ करी कि कितना आप अराउंड इसमें कैश वगैरह बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सर अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो इस गाड़ी को सीज करके उसी समय और FST टीम को, जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल रहता है, FST टीम को मौके पर बुला के उनकी प्रेजेंस में इस गाड़ी को थाने लाया गया। और थाने के बाद इसकी वीडियोग्राफी करने के बाद और वीडियोग्राफी की प्रेजेंस में फिर इस कैश को रिकवर करके और फिर इसको गिना गया। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, ये 2 करोड़ के आसपास कैश रिकवर हुआ है गाड़ी ईसुजू से। और एज़ पर प्रोटोकॉल आगे जो रहेगा, जो भी सीज हुआ है उसका एक सीजर रिपोर्ट बनेगा। वो सीजर रिपोर्ट की कॉपी इनकम टैक्स अथॉरिटी को जाएगी, क्योंकि इलेक्शन मैंडेट बोलता है कि 10 लाख से ऊपर का अगर आपका सीजर है तो उसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी को दी जाती है। सर, ये बंदे कौन थे, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? देखिए, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है, ये बंदे चंडीगढ़ के रहने वाला था। चंडीगढ़ से ये जम्मू की तरफ ट्रैवल कर रहा था। बाकी की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो अभी सब्सिक्वेंट अपॉन दी इंक्वायरी वो आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद सर।